प्रिय दर्शकों नमस्कार चल रही कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें जैसे कि मास्क पहनना नियमित रूप से हाथ धोना उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल राउकेला अस्पात संयंत्र द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि से राउकिला अस्पात संयंत्र को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन टेक अवार्ड 2021 प्राप्त और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं बामचरण मित्रा अब समाचार से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आर ने 6 दिसंबर 2021 को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की सेल एस सी एंड एस टी कर्मचारी संघ आर के सहयोग से सेक्टर 17 चौक के अम्बेडकर एनक्लोजर में आयोजित एक कार्यक्रम में आर के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के शतपथी मुख्य महाप्रबंधक टी ए एंड सी एस आर श्री ए के नायक महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं श्री पी के दास महाप्रबंधक पी एच एंड एस डब्ल्यू श्री बी के राउत और इस्पात संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बाबा साहेब के रूप में याद किए जाने वाले महान राजनेता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए इस अवसर पर महासचिव सेल एस सी एंड एस टी फेडरेशन आर एस पी श्री एस सी अध्यक्ष सेल एस सी एंड एस टी एम्प्लॉयज फेडरेशन श्री भगवान सेठी और फेडरेशन के अन्य पदाधिकारी सर्व समन्वय संघ के सदस्य भी महान नेता और भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थे देश के लिए डॉक्टर अंबेडकर के अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्री शतपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हम इस महान नेता के ऋणी हैं श्री ए के नायक ने अपने संबोधन में बाबा साहेब की दूरदृष्टि और दर्शन पर प्रकाश डाला और सभी से उनके सपनों का समाज बनाने के लिए उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का आग्रह किया श्री एस परीक्षा ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा श्री भगवान सेठी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस के लिएसोन अधिकारी तथा उप महाप्रबंधक नगर सेवा श्री विभा बासु मल्लिक ने पूरे कार्यक्रम का समन्वयन किया उल्लेखनीय है कि राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रमुख स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है इस दिन के उपलक्ष्य में आर के इस्पात विद्या मंदिर आई में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया श्री पी के दास ने सत्र की अध्यक्षता की इस अवसर पर इस्पात ऑटोनोमस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर एस पी त्रिपाठी मुख्य वक्ता थे और उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके योगदान पर एक वाक्पटु भाषण दिया गणमान्य व्यक्तियों ने इस दिन को चिन्हित करने के लिए पूर्व आयोजित प्रतियोगिताओं में जीतने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए प्रतियोगिताओं का विषय राष्ट्र निर्माण की अवधारणा था एजीएम शिक्षा श्री के नायक ने समारोह का समन्वयन किया विशेषतः आर इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक निबंध लेखन प्रतियोगिता सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है आर संयंत्र आरएसपी ने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2021 जीता यह पुरस्कार 26 नवंबर 2021 को महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित वार्षिक ग्रीन टेक अवार्ड समारोह में क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उत्पादक को प्रदान किया गया आर के मुख्य महाप्रबंधक एस एम एस वन श्री आर के पात्र और महाप्रबंधक प्रभारी ईएमडी श्री पीसी दास ने संयंत्र की ओर से मैनेजिंग पार्टनर एम्बुलियंट को फाउंडर माई ट्रांसफॉर्म डॉट कॉम श्री राजीव भदौरिया और ग्रीन टेक फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री के शरण से पुरस्कार प्राप्त किया 6 दिसंबर को मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट और रौकेला स्टील प्लांट श्री अमरेंदु प्रकाश ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के लिए आर कर्मी समूह को बधाई दी और सभी को इस्पात संयंत्र के संचालन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप और भी अधिक पर्यावरण अनुकूलन बनने के लिए प्रोत्साहित किया पर्यावरण प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए आर को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया विशेष रूप से इस्पात संयंत्र छह दशकों से अधिक की अपनी शानदार यात्रा में इस्पात की ताकत के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए साथ साथ पर्यावरण की देखरेख कर रहा है एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में आर ने प्रदूषण को कम करने कचरे के रिसाइकलिंग को बढ़ाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि स्टील के निर्माण का एक स्थायी तरीका प्राप्त किया जा सके और साथ ही प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जा सके ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आर ने उत्पादन श्रृंखला में पर्यावरण के अनुकूल नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से लेकर फोर आर यानी कि रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिकवर यानी कि घटाना पुनः उपयोग पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति के लिए प्रभावी उपयोग तक एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है आर ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर बैग हाउस डस्ट सप्रेस सिस्टम ड्राई फॉग डस्ट सप्रेस सिस्टम वेट फॉग डस्ट सप्रेस सिस्टम स्थापित किए हैं अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल के उपयोग मानव मानक संचालन प्रक्रियाओं और मानक रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाने और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के नियमित रखरखाव के परिणामस्वरूप संयंत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह स्वच्छ वातावरण बनाए रखा गया है इस्पात संयंत्र क्षेत्रों के परिवेशु वायु गुणों की निरंतर निगरानी की जाती है और वे वैधानिक मानदंडों के भीतर हैं इस्पात संयंत्र ने अपने औद्योगिक उत्प्रवाह के साथ साथ घरेलू उत्प्रवाह के उपचार के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए हैं इस्पात संयंत्र इस क्षेत्र में कार्बन सिंक बनाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है लगभग इक्यावन लाख वृक्षारोपण और संयंत्र के अंदर और स्टील टाउनशिप में 40 सुंदर उद्यानों और पार्कों का विकास धरती माता के प्रति आर की प्रतिबद्धता के स्पष्ट उदाहरण हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल रॉकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है आज के व्यक्तित्व हैं बामचरण मित्र 17 दिसंबर 1915 को जन्मे बामचरण मित्र एक प्रख्यात ओडिया लेखक और अनुवादक थे उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास और कहानियाँ लिखी, जिनमें उनका पहला उपन्यास कृति साज्य स्वप्न बाट महापुरुष मिमिर साहित्य और निबंधों का संकलन एनुषा तेनुषा जैसी कहानियों का संकलन शामिल है जिसने उन्हें 1973 में ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया उनकी कई रचनाओं का अंग्रेजी बंगाली और तेलुगु में अनुवाद किया गया है इस प्रसिद्ध ओडिया लेखक का 21 फरवरी 1975 को निधन हो गया अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें पानी की टंकियों कूलर रेफ्रिजरेटर ड्रिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरक़िल् को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है नमस्कार